नमस्कार, मैं पेन बाष्पीप ने यूट्यूब चैनल मैं पेन बाष्पीप पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज किस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिस वीडियो का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि सर एसएससी सीएचएसएल 2018 की फाइनल जो कट ऑफ है उस पर वीडियो बनाइए, तो फाइनली वीडियो आप लोगों के सामने है। यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपके फेवर में हुई है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपकी कट ऑफ को डिक्रीज करने में डायरेक्टली आपकी हेल्प करेंगे। जो भी बातें करेंगे वो टू द पॉइंट करेंगे, तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ सीएचएसएल 2017 का सिनेरियो। कई बार मैंने आपको बताया लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। देखो, आपको पता होगा कि सीएचएसएल 2017 में जो आपकी वैकेंसी थी वो 5817 थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूआर की जो कट ऑफ है वो 143.5 गई थी, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 139 गई थी प्री में, और एससी की कट ऑफ 122.50 गई थी, एसटी की कट ऑफ की अगर बात करें तो 112 नंबर गई थी। अगर हम टीयर टू की बात करें कि जो बच्चे टीयर टू को क्वालिफाई किए थे, टाइपिंग के लिए जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे उनकी कट ऑफ यूआर की 199, ओबीसी की अगर बात करें तो 192, एससी की अगर बात करें तो 174, एसटी की अगर बात करें तो 167। 2017 से ओबीसी जो था वो इम्प्लीमेंट, ईडब्ल्यूएस जो था वो इम्प्लीमेंट नहीं था, लेकिन 2018 की वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस को इम्प्लीमेंट किया गया। तो जाहिर सी बात है जो चीज पहली बार होती है उसको बेनिफिट मिलता है, तो 2018 वाले बच्चे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू आते हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। और अगर हम इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें कि फाइनल कट ऑफ एनडीसी के लिए कितनी गई थी, तो यूआर की 209.5 गई थी, और अगर हम बात करें ओबीसी की तो 207 गई थी, एससी की अगर बात करें तो 193 गई थी, एसटी की अगर बात करें तो 180 नंबर गई थी। तो आप देख पा रहे होंगे कि जनरल की कट ऑफ में आपका 10.5 नंबर का आपको उछाल देखने को मिल रहा होगा। अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में 8-7-15 नंबर का उछाल आया। अगर हम बात करें एससी की तो एससी की कट ऑफ में आपका 19 नंबर का उछाल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और अगर हम बात करें एसटी की तो एसटी में आपका 3 यानी कि 13 नंबर का यहाँ पे उछाल आया। जो फाइनल कट ऑफ है उसमें 13 नंबर का यहाँ पे उछाल आया। तो यूआर में 10.5 नंबर आपकी कट ऑफ इंक्रीज हुई। फाइनल जो कट ऑफ है मतलब टाइपिंग के लिए जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे उसके बाद फाइनल कट ऑफ में 10.5 नंबर यहाँ पे यूआर में इंक्रीज हुआ। उसके बाद ओबीसी में आपका 15 नंबर इंक्रीज हुआ, एससी में आपका 19 नंबर इंक्रीज हुआ, और अगर हम बात करें एसटी में तो एसटी में 13 नंबर आपका फाइनल कट ऑफ इंक्रीज हो गई। ये सिनेरियो था 2017 का। अब 2017 में आपकी प्री से ही कट ऑफ हाई जा रही थी, और आपको पता होगा कि 2017 में चीटिंग के भी केसेस पकड़े गए थे, एग्जाम कैंसिल लगभग होने वाला था, लेकिन उसके अलावा रिजल्ट आपका दिया गया और फिर आपकी ये फाइनल कट ऑफ आपके सामने है। अब 2018 में क्या क्या नया और क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ उसको पहले आप समझ लीजिए, उससे पहले अगर हम लोग कट ऑफ को प्रेडिक्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो सही होगा। सबसे पहली चीज ये है कि पेपर का अगर आप स्टैंडर्ड देखेंगे, 2017 के पेपर आप देख लो, 2018 के देख लो, 2017 के जो पेपर हुए थे वो लगभग एक ही पैटर्न पे सारे पेपर आपके कराए गए थे, यही रीजन था कि कट ऑफ इंक्रीज हुआ। आप 2017 के अगर आपने लगाए होंगे तो डिक्टो वही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं। अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, मतलब अच्छे खासे पेपर बनाए गए थे, और यही रीजन है कि कट ऑफ आपका प्री में भी कम गया। यहाँ की कंपेयर में 135 आपकी कट ऑफ गई थी, 135.something, और यहाँ पे यूआर की कट ऑफ 2017 में 143.5, तो यही भी आपकी कट ऑफ कम है प्री में। अगर हम बात करें जो बच्चे टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किए हैं 2018 में, उनकी कट ऑफ यूआर की अगर बात करें तो 190.33 है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, 190.33 है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 161.31 है, ओबीसी की अगर बात करें तो 167.07 है, एससी की बात करें तो 143.93 है, एसटी की अगर बात करें तो 133.80 है। अब यहाँ पे अच्छा आपके साथ क्या हुआ है उस चीज को आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर वैकेंसी वाइज देखा जाए तो यहाँ पे 5817 वैकेंसी थी 2017 में, तब आपका इतना इंक्रीजमेंट देखने को मिला।
यहाँ पे अगर बात करें तो 5700 अभी वैकेंसी है, क्योंकि 5918 वैकेंसी थी उसमें से 224 वैकेंसी को डिक्रीज कर दिया गया, तो 5700 वैकेंसी है। लेकिन अब भी ये टेंटेटिव है, अब भी इनमें थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट आपका या डिक्रीजमेंट हो सकता है, इंक्रीजमेंट ही होगा। फिलहाल वैकेंसी मेरे हिसाब से इतनी रहने वाली है। तो 5700 वैकेंसी है आपकी, और सबसे खास बात आपके साथ क्या हुई यहाँ पे जिसके बेसिस पे आपका कट ऑफ कम जाएगा। देखिए किसी भी कट ऑफ, कोई भी जो कट ऑफ है किसी भी एग्जाम की, वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। पहला नंबर ऑफ वैकेंसी, दूसरा पेपर का स्टैंडर्ड कैसा रहा, और तीसरा कि एग्जाम में क्या क्या चेंजेस हुए, प्रीवियस ईयर के कंपेयर में क्या क्या चेंजेस हुए। तो वैकेंसी वाइज अगर आप देखें तो वैकेंसी पहले यहाँ पे ज्यादा थी लेकिन अब यहाँ पे कम हो गए। लेकिन दूसरा इसका अगर आप दूसरी साइड देखो तो यहाँ पे पेपर जो था उसका स्टैंडर्ड उतना नहीं अच्छा था, लेकिन यहाँ पे उतना ज्यादा स्टैंडर्ड पेपर रहा, इसकी वजह से आपकी कट ऑफ जो है वो कम गई है। तो यहाँ पे फाइनल भी कट ऑफ आपकी 2017 से तो कम ही जाएगी, 2017 से कम जाएगी फाइनल कट ऑफ, इतना तो डेड श्योर है। ठीक है, अभी कितनी जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे जो अच्छी बात यहाँ पे आपके साथ हुई वो क्या हुई, जैसे 2017 में जो टाइपिंग और डीबी हुआ था आपका वो साथ साथ हुआ था, टाइपिंग और डीबी आपका साथ साथ कराया गया। अब जैसे मान लेते हैं सीजीएल का जिसका रिजल्ट आएगा, अब जो सीएचएसएल क्वालिफाई वो टाइपिंग जाएगा देने, तो टाइपिंग से पहले डीबी होगा तो डीबी कराएगा, वो अल्टीमेटली डीबी कराएगा, उसके बाद टाइपिंग देगा और फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं वो भी उसमें इंक्लूड हो गया, वो चाहते हुए भी उस चीज को नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आपका टाइपिंग का रिजल्ट आया देन आपका डीबी कराएगा, और हम लोगों ने कंपेन भी चलाया जिसकी वजह से 3900 बच्चों ने लगभग डीबी को स्किप किया। 17717 कैंडिडेट जो थे वो डीबी के लिए क्वालिफाई थे, जिसमें से 14499 कैंडिडेट जो हैं उन्होंने डीबी कराया। तो इतने बच्चों ने डीबी को स्किप किया, यानी कि 80% आपका अटेंडेंस डीबी में रहा। तो ये भी कहीं ना कहीं वैकेंसी को, जो वैकेंसी आपकी कम हुई उसमें ये चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये आपके साथ एक अच्छा पॉइंट हुआ है कि इस बार क्या किया कि टाइपिंग का पहले रिजल्ट अनाउंस किया, उसके बाद डीबी कराया। अब जैसे यहाँ पे जिन बच्चों को मान लेते जिनका ऑलरेडी हो गया होगा तो वो स्किप कर देंगे, लेकिन 2017 में ऐसा नहीं हुआ होगा, उन्होंने पोस्ट ही खराब की होगी वो, क्योंकि डीबी और टाइपिंग एक साथ होता था। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका प्ले करेगा यहाँ पे आपकी कट ऑफ में। अब हम बात कर लेते हैं जिस चीज का आपको इंतजार है कि फाइनल आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो फाइनल जो कट ऑफ है जो मैंने आपको बताई थी, मैं उसी पे ही टिका हुआ हूँ। आपकी फाइनल जो कट ऑफ है वो चेंज नहीं होने वाली, जो मैंने आपको बताई थी वही कट ऑफ रहेगी। कितना क्या मैंने आपको बताया था, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपके अगर मार्क्स 200 प्लस नंबर हैं, 200 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 200 से अगर आप ऊपर हैं। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस से, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप 195 प्लस नंबर पे आ रहे हैं तो आप सेफ हैं मेरे हिसाब से। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो अगर आपके मार्क्स 197 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मैंने बॉर्डर बता दिया आपको, 200 प्लस ही होंगे नंबर तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब 202 भी रह सकती है, 204 भी रह सकती है, 205 भी रह सकती है, मतलब इसकी जो लिमिट है वो 200 से लेकर के 205 तक है। ठीक है, इसी के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो अगर आपके मार्क्स 184 प्लस हैं तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं और आपके मार्क्स 170 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब तमाम चैनल वालों ने तमाम तरीके की कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया, लेकिन मैं इसी पे टिका हुआ हूँ। सारी चीजें जो है वो 30 सितंबर को आपकी क्लियर हो जाएंगी कि इसका कट ऑफ का प्रेडिक्शन सही रहा। अभी 30 सितंबर के बाद चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ये भी पता चल जाएगा कि किसका कट ऑफ का प्रेडिक्शन सही रहा। तो मेरा जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन है वो आप लोगों के लिए यही है कि अगर आप यूआर से हैं तो अगर आपके 200 प्लस मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो अगर आपके 195 प्लस नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, 195 प्लस नंबर होने चाहिए, इससे कम पे काम नहीं चलेगा। ओबीसी से अगर आप हैं तो 197 प्लस अगर नंबर है तो आप सेफ हैं, एससी कैटेगरी से अगर आप हैं तो 184 अगर उससे ऊपर नंबर है आपके तो आप सेफ हैं, एसटी में अगर आपके 170 से ऊपर नंबर है तो आप सेफ हैं, मतलब कट ऑफ आपकी इसी के इर्द गिर्द आपकी रहने वाली है। जैसे 200 से ऊपर आपकी 203 जा सकती है, 204, 205 इस तरीके से रह सकती है, ऐसे यहाँ पे भी आपका एक दो नंबर का इधर उधर नंबर हो सकता है आपका, बाकी जो कट ऑफ है वो यही रहने वाली है। तो उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा होगा
तो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।